الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا نور على نور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد have so many qualities and departments
then in all departments there will be equality title. इसका तर्जमा आपके सामने बयान कर चुका हूं कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों मेरा जिक्र कसरत से करो और सुबह शाम मेरी पाकी बयान करो। तो अल्लाह ताला जल्ला शानो के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ोजल का ज़ाती नाम है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जल्ला शानो के सिर्फ 99 नाम है, इस तरह नहीं है कि 7 लाख किस्म की मखलूक को उसने पैदा किया है और हर मखलूक का एक टाइटल है, एक डिपार्टमेंट है हर मखलूक का। इंसान का निजाम अलहदा है, जानवरों का अलहदा है, मछलियों का अलहदा है, परिंदों का अलहदा है। ये नहीं हो सकता कि जिस तरह आमतौर पर लोग कहते हैं देखिए भाई जो बकरे का सिस्टम है उसी तरह अल्लाह तआला ने इंसान के अंदर बनाया है, लेकिन बकरे का दिल इंसान को तो नहीं लग सकता। नो वन कैन यूज हार्ट ऑफ द लैम फॉर ह्यूमैनिटी। तो अल्लाह तआला ने निजाम अलग-अलग बनाया है, इसी तरह हर डिपार्टमेंट का एक नाम है। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी आइटम्स हैं, उसका एक टाइटल है, वो क्वालिटी टाइटल अल्लाह ताला जल्ला शानहु का क्वालिटी नेम है। जितनी खूबियां अल्लाह करीम ने पैदा की हैं हर सिफ्त अल्लाह ताला जल्ला शानहु की तरफ ही लौटती है। सो दैट वी कांट से दैट अल्लाह अज़्ज़ वजल हैज 99 क्वालिटी नेम्स। अल्लाह अज़्ज़ वजल हैज मिलियन एंड बिलियंस ऑफ क्वालिटी नेम्स because we have not enough knowledge or we have not got enough research so that we can't see and we don't know all the qualities of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal says if you use all trees as a pen and if you also use the water of sea as an ink and if you also go to angels as a writer then all items will be finished but my bounties and qualities will not be finished. And isme jo baat naam ki gayi hai ke Allah taala jalla shanuhu to million aur billion uske naam जिस तरह उसने हर चीज को पैदा किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसके सिर्फ 99 नेम्स हैं। एक जगह पे अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने फरमाया कि अगर तुम दरख्तों को बतौर कलम इस्तेमाल करो और समुद्रों को बतौर स्याही इस्तेमाल करो और फरिश्तों को लिखने के लिए मुकर्रर कर दो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी लेकिन मेरी नियमतों का शुमार खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह शान की शान है। इसलिए मोस्टली पीपल आर यूजिंग 99 नेम्स ऑफ अल्लाह फॉर ब्लेसिंग एंड फॉर सप्लिकेशंस। द ऑल नेम्स हैव टू मच गुड इफेक्ट एंड ब्लेसिंग्स। व्हेन पीपल रीड देम they are getting benefits of life and solving to people's problems. 99 of names are available in the Holy Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sattar, Ya Ghaffar, Jalla Jalaluhu are good for improvement in food, especially instructions from God, protection from sins and deception. Secretly help in life matters and cover mistakes and forgiveness of all sins and mistakes become good. इसमें क्या फरमाया गया? इसमें बताया है कि जो आमतौर पर मुसलमान भाई हमारे 99 अल्लाह तआला के नामों का जिक्र करते हैं या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या गफ्फार इस तो ये सारे जिक्र अस्कार करने से इनकी रिसाइटेशन से
अल्लाह ताला अल्लाह शानों की तरफ से ब्लेसिंग्स भी मिलती है, प्रॉब्लम्स भी दूर होती है, बंदे के स्पिरिचुअल रैंक्स जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में इंक्रीज होते हैं, और फिर अल्लाह ताला अल्लाह शान हो उस बंदे की गुनाहों से भी हिफाजत फरमाता है और सीक्रेटली उसको वेव जैसी देता है गुड इंस्ट्रक्शन। When anyone he will recite to the quality names of Allah subhanahu wa ta'ala, he will receive and he will get automatically, secretly, opinions from Allah subhanahu wa ta'ala. And secretly he will get a blessing, a spiritual power from Allah subhanahu wa ta'ala. Then he can be saved from minor and major sins. Then he can feel a peace and peaceful heart, so that when we will recite to the quality names of Allah subhanahu wa ta'ala, automatically our life will be peaceful. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhallazina amanu, I have recited so many verses are available. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Those people, they have believed, they can get and they can receive peace of heart by the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى अदा, खबरदार, बी केयरफुल, जिक्र अल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, बाय रिसाइटेशन द नेम ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, यू कैन गेट अ पीस ऑफ हार्ट। एंड नंबर 16 ऑफ कलिमा शरीफ, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, हूएवर विल रीड कलिमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल will have too much light in his grave. The Holy Prophet peace be upon him says, "Qulu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Which a person will read Kalima Sharif, they will enter into paradise. So many times Allah Azza wa Jalla has revealed to the Kalima Sharif first declaration or intro in the Holy Quran. Kalima Sharif and the verses of the Holy Quran, according to Islamic law, peoples can say kafir. People, according to the religion Islam, according to the verses of the Holy Quran, according to the declaration of the Holy Prophet peace be upon him, no one can say, anyone can't say to kafir any Muslim person. Any Muslim, he can't use the word of kafir for any Muslim brother. And what is the rules and regulations? According to Islamic law, people can't say kafir, unbeliever, to the Muslim people. They have agreed by their tongues and testified by God to the Kalima Sharif. Otherwise, whoever is saying kafir, he will be kafir. His belief will be finished. When unbeliever accept to the religion Islam and then they read Kalima Sharif, Allah Azza wa Jal forgive them for all of their last sins, minor and major sins. Meaning, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya कि जो शख्स कलिमा शरीफ का विर्द रखेगा, कलिमा शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला जल्ला शानो उसकी कब्र को रोशन फरमाएगा, उसकी कब्र में नूर पैदा फरमाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नत, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान बेशुमार मरतबा तो नहीं कह सकता, काफी मरतबा अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ला इलाहा इल्लल्लाह को
कुरानी वर्सेस में नाज़िल फरमाया है, और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, जो इस्लामिक हमारा शरीयत के मुताबिक, शरीयत मुतहरा के मुताबिक, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को काफिर नहीं कह सकता, क्योंकि वो जुबान से भी इस चीज का इकरार भी कर चुका है, दिल से इस बात की तस्दीक भी कर चुका है। There is no worthy worship except Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And aamantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri khayri wa sharri minallahi ta'ala wal ba'asi ba'dal maut. He has declared, aamantu billahi, I believe on Allah subhanahu wa ta'ala, Allah the Almighty. أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ and I believe on angels, وَكُتُبِهِ and I believe on books, holy books, وَرُسُلِهِ and I believe on all messengers. أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ and I believe on judgment day, وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى and I believe on destiny, good or bad, from Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ba'asi ba'dal maut, and after death I will come alive. He has declared, oh, who is baat par iman la chuka hai. Jab wo iman la chuka hai, to koi banda usko kafir nahin keh sakta. Agar kahega, to uska apna iman khatam ho jayega. जब एक काफर होता है, कोई काफर है, बुतों की पूजा करता है, तो वो अगर सच्चे दिल से कलमा पढ़ ले तो अल्लाह ताला जल्ला शानहु उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है, कलमे की बरकत से, सच्चे दिल से लेकर पढ़। तो ये वो चीज है कि बंदे को पाक कर देती है, कलमा शरीर एक ऐसी चीज है बंदे को पाक साफ कर देती है। We are sending all lecture on YouTube. You can see when you will insert and write there in search Jamaat Salaki, J-A-M-A-T space U-S space S-A-A-L-K-E-E-N Salaki, Jamaat Salaki. You can watch there all lecture. We are sending all lecture on YouTube and to those Muslim brothers. They gave me email address. I am sending them. They can read and watch easily. And now point number 17. Different surah and parts of the Holy Quran. Allah says, Inna nahnu nazzal nal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. And what other verses? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Meaning, we have revealed to the Holy Quran and we are giving protection to the Holy Quran forever. Allah says, Allama al-insana ma lam ya'lam. Meaning, we gave to human secret knowledge who he did not know. The Holy Prophet, peace be upon him, said, Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima. Meaning, Islamic knowledge is compulsory for all Muslim male and female. They must get. Allah Ta'ala ke nashanu ne irshad farmaya ke hum hi ne is Quran ki mushan ko nazar kiya hai aur hum hi iski hifazat karne wale. और एक जगह अल्लाह ताला ने इंसान को शान फरमाया कि आपने इंसान को वो इल्म अता किया है जिसको वो नहीं जानता था। क्या फरमाया? अल्लाह वल इंसान मालम या वो इल्म आपने उसको अता किया जो वो नहीं जानता था। और आप देखिए कुरान अजीम व शान में, कुरान अजीम व शान में मिलियन ईयर्स बिफोर, 10 million, 100 million, billion years before knowledge, about 100 million, no, billion years before, the knowledge is available in the Holy Quran, in the verses of Quran Azim al-Shan, because
Allah subhanahu wa ta'ala had revealed to the Holy Quran, and all knowledge is according to the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. When we will read Holy Quran, we can get, we can gain, we can receive, we can read knowledge about billion years before. Subhanallah. And Misa, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. That position is before when angels, when angels did not create. مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. When Allah subhanahu wa ta'ala had created to all souls and brought to one place and asked them and get a promise from them. When my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when my beloved Prophet, the last messenger, will came between you, you will be terminated from your messengership. And you will accept to the messengership of last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All souls of messengers, they committed. We accept, we promised. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, okay, you promised us all together. Ek dusre ke upar gawa ho jao sare. Aur ab tumhare upar main bhi gawa. You make a witness. Nuh alayhi salam, our witness of Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, our witness of Ibrahim alayhi salam was the witness of Ismail alayhi salam. Ismail alayhi salam was the witness of Ibrahim alayhi salam. Musa alayhi salam was the witness for Isa alayhi salam. Isa alayhi salam was the witness for Musa alayhi salam. 124,000 messengers, they have accepted to this promise. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, no, I am a witness upon you. Ab main tumhare upar gawa. Kitna bada misaak hai, kitna bada vaada hai. Aur ye baat kab ki hai jab Adam alaihi salam bhi paida nahi hue the, farishte bhi nahi bane the, jab ruh ko Allah kareem ne paida kiya tha, unko ikattha karke fir unse عہد لیا تمام روحوں سے. الستو بربکم, do you accept me as a sustainer? All souls accepted, yes, we accepted you as a sustainer. Then Allah subhanahu wa ta'ala got a promise from scholars, do you will explain to my message properly in people, in community. They promise, yes, we will deliver lectures properly. Then Allah subhanahu wa ta'ala brought to all souls of messengers, then got a promise from them. So ye kya hai, Quran azim ushan mein karodon saal pehle ka ilm maujood hai. और क्या इसमें फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमने इंसान को वो इल्म अता किया जो वो नहीं जानता था. और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलब العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة. तलब العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة. तमाम मुसलमान जो मर्द होते हैं उनके ऊपर दीन का इल्म हासिल करना क्या है, ये फर्ज है. And there are 6,666 verses in the Holy Quran, and there are 30 parts and 114 chapters. The Holy Prophet, peace be upon him, said, when you will read the Holy Quran in prayer, Allah Azza wa Jalla will give you 100 good deeds by one letter. And when you will read the Holy Quran in prayer and in sitting condition, Allah Azza wa Jal will give you 50 good deeds by one letter. When you read Holy Quran with ablution, meaning wudu,
Allah Azza wa Jalla will give you 25 good deeds by one letter. And when you will read Holy Quran without wudu, Allah Azza wa Jalla will give you 10 good deeds by one letter. Allah Azza wa Jalla says, La yamassuhu illa al-mutahharun, meaning you don't touch to the Holy Quran without bath or ablution. Inshallah, we will be continuing our lecture because in winter prayer time is 1:15, and in summer prayer time is the Tanveer sir, 1:15. It should be remembered because in winter, when the time, 1 hour comes behind, then we will offer 1:15. And in summer, when time will be changed, our prayer time will be changed. Remember, because sometimes our brothers are coming late, coming at last minutes when the Muazzin is reciting Takbir, Aqamat, then they came here. The Holy Prophet, peace be upon him, says, the khutbah, the Arabic khutbah, is compulsory for all people. They will listen khutbah in a condition of prayer. इसलिए जब हम वक्त पे आएंगे तो इंशाल्लाह तो ये क्या है कि कुरान शाम में 6,666 आयात हैं और 30 सुपारे में 114 सूरते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई कुरान शाम नमाज में पढ़ता है तो उसको हर हरफ के बदले 100 नेकी दी जाती है और अगर वो नमाज बैठ के पढ़ रहा है तो 50 नेकी हर हरफ के बदले उसे मिलती है। इसी बात मकासद सालिकीन एक किताब है इंडिया की छपी है, उसमें भी यह हदीस पाक मौजूद है। और क्या है कि जब नमाज के अलावा वजू के साथ बंदा कुरान पाक पढ़ता है तो हर अरब के बदले 25 नेकियां उसे मिलती हैं और अगर बगैर वजू के पढ़ता है तो हर अरब के बदले 10 नेकियां उसे मिलती हैं। लेकिन इसके साथ कानून जाब्ता यह भी है कि नो वन कैन टच टू द होली कुरान विदाउट ablution, without wuzu, without ghusl. If he is a ghusl wajib, obligatory for him, first of all he will take a bath, then he can touch to the Holy Quran. All orders are same from man to woman. Inshallah, after we have recited, inshallah, our lecture will be continuous because we are reading about the importance of recitation of the Holy Quran. The next Friday, inshallah, I will explain to you about what is benefits of different surah of the Holy Quran. My dear brother, should be try again for religious activities. For example, we are not denying from the order of Allah subhanahu wa ta'ala or declaration of the Holy Prophet peace be upon him. But if we will not give a preference, the two items are available at your front. You are giving a preference to one item, automatically other item will be rejected. If we will not give a preference to the religious activities or other rough or normal or any other activities, you know, not available in the religion Islam, we will choose, then automatically religious activities will be rejected. You are watching TV. On TV coming one religious channel, one channel is coming for film. You are checking all channels, you are looking at recitation of the Holy Quran, Nas Sharif and everything. And when you will all channels of film, meaning other channels you have rejected, the angels are hiding. Which one you like?